गुड इवनिंग शुभांकित विश दीपक एकता सविता आनंद वेरी गुड इवनिंग एंड फोन साइलेंट कर लेती हूँ यार आई डोंट वांट कि बीच में डिस्टर्ब हो ठीक है चलो सबको बुला लो जल्दी से यार तुम पूरे छः बजे आते नहीं हो है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा बैक टू बेसिक्स जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एक डिमांडिंग टॉपिक जो कि है माइटोसिस एंड मियोसिस तो उसके क्वेश्चन साइटोजेनेटिक्स के क्वेश्चन आज हम करेंगे क्योंकि आज ही हमने थ्योरी पोर्शन में शुरू किया है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का इटोजेनेटिक्स टॉपिक्स डिवीजन टॉपिक्स ठीक है यह है अडर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मिलते हैं कुछ क्वाइंगस जो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिलाएंगे किसी भी बैच में तो अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए क्लासेस के लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है दिस इज फॉर योर वेलविंग ओके हाँ आ जाओ सभी लोग भाई ग्रुप्स में शेयर कर दो ठीक है तुम्हें इन्वाइट करना पड़ता है बार बार और जिस जिसने जिस सेशन को ज्वाइन किया वो सेशन को लाइक जरूर कर दें ठीक है करें शुरू इतने धीरे धीरे आते हो तो एक तो तुम गुड इवनिंग लिली प्रियंका गुड इवनिंग ओके चलो सो so स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्रोमोजोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर ए वॉल्डियर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रासबर्गर ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग या ऑप्शन नंबर डी बेंडन तो ये जो गुण सूत्र है क्रोमोजोम है ये सबसे पहले शब्द जो है वो शब्द तो चलो किसने दिया था वो बाद की बात है सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी इसको डिस्कवर किसने किया था कि क्रोमोजोम कुछ होते हैं तो यहाँ पर लिली एकता महिमा अलीशा शिवानी आनंद ओके सबका आंसर सही है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्ट्रास बर्गर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसके अलावा भाई जो नामकरण किया था वो किसने किया था वॉल्डियर ने किया था तो वॉल्डियर ने टर्म क्वाइन की क्रोमोजोम यानी ये टर्म दी और जो हमारे स्ट्रास बर्गर हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि क्रोमोजोम कुछ होता है तो सभी अपनी नोटबुक्स निकाल लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे यहाँ पर क्रोमोजोम के बारे में ये रहा आपका क्रोमोजोम आप देखोगे माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये जो पंख जैसे आपको दिखते हैं इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड्स इन्हें क्या कहा जाता है क्रोमैटिड्स और ये जो सेंटर में आपको ये दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर इसे क्या कहा जाता है सेंट्रोमेयर कहा जाता है एक क्रोमोजोम के अंदर दो क्रोमैटेड्स पाए जाते हैं दो क्रोमैटिड्स का मतलब है एक और दो ठीक है ये दो ही होते हैं बीच में ये इससे डिवाइडेड होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि भाई चार है अदरवाइज दो ही क्रोमैटिड्स होते हैं ठीक है ओके एडिटिव जीन एक्शन बिल्कुल बता दूंगी मैं गुड इवनिंग सचिदानंद ओके सो दिस इज द क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर जहां पर सेंट्रोमेयर होता है और क्रोमैटेड होते हैं अब ये जो क्रोमैटेड होते हैं इनके भी दो टाइप होते हैं पहला होता है सिस्टर क्रोमैटेट और दूसरा होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिट तो एक ये क्रोमोजोम है और एक ये क्रोमोजोम है ठीक है ये आपके दो क्रोमोजोम है जिन दो क्रोमैटिट्स का सेंट्रोमेयर एक जैसा है यानी ये और ये इन्हें कहा जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे दो क्रोमैटिड्स जिनका एक तो इतना गंदा पेंसिल का कलर किसने रखा है ठीक है जिनका सेंट्रोमेयर सेम है उन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स और ऐसे दो क्रोमैटिड्स जिनका सेंट्रोमेयर अलग अलग है जैसे इसका ये है इसका ये है तो इन्हें कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स ऐसे क्रोमैटिक्स जिनका सेंट्रोमेयर अलग होता है उन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैट्स ठीक है तो इतना तो सबको आना चाहिए उसके बाद ये तो हो गया आपके सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैट्स क्लियर अब इसके बाद आपके क्रोमोजोम भी दो टाइप के हो सकते हैं ठीक है वैसे तो क्रोमोजोम बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम होमो लोगस क्रोमोजोम और एक होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है तो ऐसे क्रोमोजोम जो एक जैसी क्रोमेटिड लेंथ के हैं जिनके सेंट्रोमेयर भी एक पोजीशन पे हैं जिनकी क्रोमेटिड लेंथ भी सेम है और जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ जीन्स और उसकी एलील्स पाई जाती हैं ऐसे को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम ऐसे क्रोमोजोम जिनकी क्रोमेटिक लेंथ आपस में नहीं मिलती है जिनके सेंट्रोमेर पोजीशन और लेंथ और जीन सब कुछ अलग अलग है उसे कहा जाता है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स ठीक है तो सबसे पहले अगर आप सेल डिवीजन पढ़ रहे हो क्रोमोजोम पढ़ रहे हो साइटोजेनेटिक्स पढ़ रहे हो व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जो मोड ऑफ आपका पूरा स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का नंबर है क्रोमोजोम का इसके बारे में जो आप पढ़ते हो उसे कहते हैं साइटोजेनेटिक्स ठीक है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्रोमोजोम क्या होता है कैसा दिखता है ठीक है और क्रोमोजोम uh, टर्म किसने दी डिस्कवर किसने किया तो ये तो हमने कर लिया अब भाई क्रोमोजोम होता क्या है ये दिखता तो ऐसा है लेकिन क्रोमोजोम DNA. DNA का अवतार है और इसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन जुड़ी होती है। तो डीएनए जब डीएनए को जब सेल डिवीजन करना होता है न्यूक्लियर डिवीजन करना होता है तो वो ऐसा रूप ले लेता है तो क्रोमोजोम इज नथिंग बट डीएनए मॉलिक्यूल प्लस हिस्टोन प्रोटीन ठीक है तो ये रहा आपका क्रोमोजोम ओके क्रोमोजोम के बारे में फिलहाल इतना ही अच्छा क्रोमोजोम दो टाइप के और होते हैं बेस्ड ऑन वो कहाँ पर प्रेजेंट है एक होते हैं सोमैटिक क्रोमोजोम्स एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स सेक्स क्रोमोजोम कौन से होते हैं एक्स एंड वाई ठीक है उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोमोजोम एज ऐसे क्रोमोजोम्स जो सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जितने भी होते हैं ठीक है उन्हें क्या कहते हैं ऑप्शन आर ए एलोजोम्स बी ऑटोजोम्स सी जर्म क्रोमोजोम्स या डी स्यूडो क्रोमोजोम्स जी हाँ ये जो टॉपिक्स हैं आपके ये जनरल टॉपिक्स हैं बेसिक टॉपिक्स हैं ये हर एक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं ठीक है यहां पर लिली का आंसर सबसे पहले आया है और सही भी है सो वेरी गुड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाकी श्वेता महिमा गलत हो गया सुनो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे क्रोमोजोम मतलब नहीं है वो कौन से हैं? तो उन्हें कहा जाता है ऑटोज़ोम्स, क्योंकि एलोज़ोम्स को ही हम सेक्स क्रोमोजोम बोल देते हैं उसी को हम जर्म क्रोमोजोम बोल देते हैं स्यूडो क्रोमोजोम कुछ नहीं होता है ठीक है देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमोजोम एक होते हैं ऑटोजोम्स एक होते हैं एलोजोम्स एलोजोम्स कौन से होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोजोम ठीक है एक्स एंड वाई क्रोमोजोम जो हैं वो आपके क्या होंगे सेक्स उसके अलावा अदर देन दैट जितने भी क्रोमोजोम हैं उन सबको कहा जाएगा सोमैटिक क्रोमोजोम या ऑटोजोम्स ठीक है तो ये दो टाइप है ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स नॉन सेक्स या सोमैटिक क्रोमोजोम आप इसको लिख सकते हो ऑटोजोम्स को क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोनोपोलॉइड्स मोनोपोलाइड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है फर्स्ट इज इट कंटेन्स सिंगल जिनोम क्या मोनोपोलाइड्स में सिंगल जिनोम पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इट रिप्रेजेंट गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ अ डिप्लॉइड स्पीशीज ऑप्शन नंबर सी इट इज डिनोटेड बाय एक्स या डी ऑल ऑफ दीज हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ इसको पूछा गया है मोनोपोलॉइड्स के लिए कौन सी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो सही है तो पहले में कहा गया है कि इसके अंदर एक ही जीनोम पाया जाता है दूसरा कि ये किसी भी डिप्लॉइड स्पीशीज का गैमेटिक क्रोमोजोम जो है नंबर है तीसरा इसे एक्स से डिनोट किया जाता है एंड चौथा ये सभी ही स्टेटमेंट सही हैं और बिल्कुल डी इज द राइट आंसर ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं एक्स होता है आपका बेसिक क्रोमोजोम आप मोनोपोलॉइड भी कहते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ पॉलिपोलॉइड इन विच ऑल द क्रोमोजोम कम फ्रॉम द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज ऐसा पोलीपोलॉइड जिसके अंदर जितने भी क्रोमोजोम है वो एक ही स्पीशीज से आ रहे हैं उसे क्या कहेंगे ए क्या उसे एलोपोलीपोलाइड कहेंगे बी क्या उसे एम्फी डिप्लॉइड कहेंगे सी क्या उसे ऑटोपोलीपोलाइड कहेंगे या डी उसे एन्यूपोलॉइड कहेंगे तो ये टॉपिक है आपका पोलीपोलाइडी का ठीक है पोलीपोलाइडी पोलिपोलाइड क्या होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा दो से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है दो से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर पाए जाते हैं अगर वो सारे क्रोमोजोम एक ही स्पीशीज से आ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा बिल्कुल यहाँ पर शुभांकित का आंसर और दीपक का आंसर सही है ठीक है तो मुझे यहाँ पे दो आंसर सही दिखे हैं देन श्वेता का आंसर सही दिखा है ओके राइट आंसर इज ऑटोपोलीपोलाइट ठीक है एक तो और विंदरेश का भी सही है इसके अलावा गलत हो गया डी नहीं कहते हैं सबसे पहली बात आपको पॉलिपोलाइडी को समझना पड़ेगा वीडियो सेक्शन में, में मेरा एक वीडियो भी है ठीक है आप नॉर्मली सर्च कीजिए पॉलीपोलॉडी बाय प्रतिभा मैम आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, मैंने और उसके अब ये जो होता है इसमें वन और टू क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम आर एडेड और डिलीटेड इसमें दो या आ, एक क्रोमोजोम ही एड या डिलीट होता है पूरा सेट नहीं होता है एड और डिलीट ठीक है ऐसा जो पोलिपोलाइडी है जो सच्ची होती है ट्रू होती है जिसमें पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं यूपोलॉइडी उसे कहते हैं यूपोलॉइडी अब ये जो यूपोलॉइडी है ये भी फर्दर एलोपोलीपोलॉइड और ऑटोपोलीपोलाइड में डिवाइडेड होती है एलो का मतलब होता है कि मिक्सचर यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज से क्रोमोजोम आते हैं ऑटो का मतलब होता है सेम ठीक है सेल्फ या सेम यहाँ पर सेम स्पीशीज से सारे के सारे क्रोमोजोम्स जो हैं वो आते हैं ठीक है और ये दोनों ही किसके टाइप्स हैं यू प्लोइडी के टाइप्स हैं क्लियर हो गया हम्म हाँ महिमा का भी सही है मैंने देखा नहीं ढंग से ओके आ... ठीक है आपको ना खुद को पता होना चाहिए कि आप जो है वो क्वेश्चन सही कर रहे हो है ना मेरे से एक आधा स्किप भी हो जाता है तो आपको ये अपने दिल में होना चाहिए कि अरे यार मैंने मेरे तो आज सब सही हुए ठीक है मैं सही जा रहा हूँ मतलब मेरी जो प्रेपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है और अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं मतलब आपको फिर से उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है ठीक है नहीं पंकज मेरे यहाँ पर बर्फ तो नहीं पड़ रही है बट ए ज़रूर चला है और ये ए क्योंकि सेंट्रल ए है है ना तो ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ए है कि मैं इसको बंद करके जैकेट उतार दूं ठीक है तो इट्स लाइक कि यहाँ पे सेंट्रल ए है और तो फिर मुझे ठंड लगती है ए मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ज़्यादा ओके तो इट्स लाइक बाहर जाते तो गर्मी है और अंदर जाते तो इट्स लाइक थोड़ा ठंडा ठंडा सा है ओके तो अभी धीरे धीरे ऐसा होगा कि ये वाली ठंड भी जाने लगेगी एसी वाली लेकिन अभी तक तो लगती है है ना मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उधर ऑफिस में बैठे बैठे भी मुझे ना जैसे ये मैं सिर्फ क्लास के लिए पहनती हूँ जब मैं इसको खोल देती हूँ अपने ऑफिस में बैठने के लिए तो मैं इसी में बैठती हूँ ठीक है और जब मैं इसमें बैठती हूँ तो मुझे कभी कभी ना बीच में ऐसा लगता है कि जैसे तो जब पानी पी के आते हैं या खाना खा के ऐसे होते हैं ना थोड़ा तो ज्यादा ठंड लगने लग जाती है ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं पता नहीं मुझे दूसरों से ज्यादा ठंड लगती है कुछ तो है मेरे अंदर है ना अच्छा बस गुड इवनिंग गुड इवनिंग लवली बॉय प्रियंका प्रियंका को हेलो करना छोड़ो चलो यहाँ पे आंसर दो बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए तो क्वेश्चन आपको ये बहुत बार आता है रिपीट हो okay, हो के हर स्टेट लेवल के एग्जाम में कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सेल साइकिल का अब इसमें मैंने ज्यादा हिंदी इसलिए नहीं रखी क्योंकि ज्यादातर इसके सारे टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में सेम सेम रहते हैं तो ऐसे ही क्यों टाइम वेस्ट करना है है ना तो ऐसे ही समझ लो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सबसे पहले इंटरफेस होता है बिल्कुल होता है उसके बाद मेटाफेज होता है नहीं होता तो ये ऑप्शन गलत हो गया सबसे पहले इंटरफेज होता है फिर प्रोफेज होता है फिर मेटाफेज होता है लेकिन फिर टिलोफेज नहीं होता तो ये भी गलत हो गया इंटरफेज प्रोफेज ये भी गलत हो गया एनाफेज नहीं होता है क्योंकि पी मैट पी मैट प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज यहां पर है प्रोफेस मैटाफेलोफेज ठीक है तो ये हो गया आपका सही आंसर क्योंकि ऑर्डर को कैसे याद रखोगे पी मैट तो पी मैट इज प्रोफेज मेटाफेज, एनाफेज एनाफेजेज ओके तो बिल्कुल यहां पर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर टेक्स प्लेस, जाइगोटीन नंबर बी नंबर सी डिप्लोटीन नंबर डी म्यूसिस वन के अंदर क्या होता है लल्ला जरा पानी दे दे होता है क्या होता है लल्ला जरा पानी दे दे यानी फाइव सब स्टेजेस होती हैं जिसे कहते हैं लैप्टोटीन दूसरे नंबर पर होती है जाइगोटीन फिर होती है पैकिटीन फिर होती है डिप्लोटीन और फिर होती है ये पांच सब स्टेजेस होती है इसका भी आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है तो बोला गया है बताया किसी ने आंसर वेरी गुड सबने जो है सही आंसर बताया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी पैकिटीन तो ये जो आपका एक्सचेंज हो रहा है अदल, अदला बदली हो रही है क्रोमैटिन की नॉन सिस्टर में इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर तो इनडायरेक्टली पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है तो क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होती है ठीक है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर सबका अगला सवाल अरे यार यहाँ पे जो है वो गलत हो गया थोड़ा सा ठीक है इसको ठीक कर लेना ओके हाँ इसका आंसर ना डी हो जाएगा ठीक है मैं गलत लगा दिया चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज देक्ट गलत है incorrect about mitosis. इन करेक्ट अबाउट माइटोसिस इनमें से कौन सी लाइन गलत लिखी है स्टेटमेंट गलत लिखी है माइटोसिस के बारे में चलिए इट प्रोड्यूजिस जेनेटिक वेरिएशन क्या माइटोसिस uh, से जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आती है नंबर टू माइटोसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल बिल्कुल भाई माइटोसिस से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं ठीक है इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन लाइक रूट शूट लीव इन प्लांट्स बिल्कुल जो माइटोसिस होती है वो बनाती है नए ऑर्गन्स को जैसे जड़े पत्ते जो है तना ये सब कुछ माइटोसिस से बनता है मिओसिस से सिर्फ क्या होता है मिओसिस से सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बाकी आपके बाल बढ़ रहे हैं आपके नाखून बढ़ रहे हैं आपकी हाइट बढ़ रही है ये सब माइटोसिस से होता है ठीक है इससे क्या होता है सिर्फ सिस्टर क्रोमैट्स जो है वो सेपरेट होते हैं तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो डी आंसर भी कर रहे हैं तो जो माइटोसिस होती है उससे कोई भी वेरिएशन नहीं आती है अगर आपको चोट लगी है और आपकी स्किन यहाँ से निकल गई है आपकी जो नई स्किन आएगी वो बिल्कुल वैसी ही आएगी या आपने अपने बाल कटवा दिए हैं जो नए बाल आएंगे वो कोई सफेद या नीले रंग के तो नहीं आएंगे वैसे ही आएंगे जैसे आपके बाल थे है ना अब आपके नाखून अगर आपने काट दिए हैं आपके नाखून बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे थे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं कोई बदलाव नहीं आ रहा है कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। तो जेनेटिक वेरिएशन कहाँ पे आ सकती है मियोसिस में माइटोसिस में कोई भी जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है रही सेपरेशन की बात तो यहां पर बिल्कुल सेपरेशन होती है एनाफेज के अंदर जब ऐसे ऐसे चले जाते हैं ना इधर उधर को चले जाते हैं तो वो सेपरेशन ही है ना में तो सेपरेशन तो होती है लेकिन वेरिएशन नहीं होती है ठीक है और इनकरेक्ट पूछा था इनकरेक्ट बाकी तीन सही है ये वाला गलत है इसीलिए ये आंसर हो जाएगा क्लियर हो गई बात हम्म हो गई क्लियर हाँ जी तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है अगला मेटाफेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन

मेटाफेज uh, में ये जो प्लेट है यहां पर क्रोमोजोम सबसे मोटे होते हैं और ऐसे अरेंज होते हैं नंबर तीन प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल ऐपरेटर्स ये जो स्पिंडल ऑपरेटर्स होता है क्या ये मेटाफेज में होता है एंड ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल ऑल ऑफ दीज ये सारी चीजें जो है मेटाफेज को दर्शाती हैं मेटाफेज में ये तीनों चीजें होती हैं अब कई बार आपको एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि सेपरेशन कहां पर होती है? या आ जाता है जो गायब हुआ था ना प्रोफेज में गायब होना शुरू हुआ था मेटाफेज में गायब था वो टिलोफेज में फिर से वापिस आ जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि कौन सी फेज में क्या क्या होता है अगला

कहां पर बनता है ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जहां पर साइनेप्सिस होती है साइनेप्सिस का मतलब होता है जोड़ियों का बनना यानी पेयरिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है इसे क्या कहते हैं आप साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह देते हो ओके Uh, मैम जो ऐप आप पर आपकी क्लास ट्वेंटी थ्री अप्रैल से बता रहा है वो लाइव होगा योगेश्वर ठीक है पेड जो क्लासेस हैं मेरी ठीक है वो लाइव स्टार्ट हो जाएंगी पेड क्लासेस ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल से ओके तो अभी मैं ज़रा नेट जे आर एफ पे फोकस कर रही हूँ जे आर एफ का नोटिफिकेशन भी आया है साथ ही साथ बी एच ओ में मेरी क्लासेस चल रही हैं बहुत जल्दी जो है टी ए ए एफ ओ वगैरह में भी मैं शुरू कर दूंगी जैसे ही मेरा थोड़ा बी एच ओ का लोड कम होता है ठीक है तो बहुत जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी हम आपको कभी भी एक साथ आठ आठ घंटे की क्लासेस नहीं देते हैं आठ आठ घंटे की क्लासेस देने का तब मतलब है अगर आपका एग्जाम डेट पास में है अगर आपका एग्जाम डेट पास में नहीं है तो दिस इज वेरी बैड स्ट्रेटजी कि आपको लगातार जो है आठ आठ घंटे पढ़ाया जाए ठीक है आपको क्या करना है एक दिन में चाहे तीन ही घंटे पढ़ना है सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है हमसे क्यों पढ़ना है ताकि आपको YouTube पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिले जो आपको तीन घंटे पढ़ाया है आप उसको तीन घंटे लगा के रिवाइज करो है ना नोट्स बनाओ उसके लास्ट मिनट नोट्स बनाओ अगर हम आठ घंटा पढ़ाते ही रहेंगे आप उस चीज को रिवाइज कब करोगे है ना सो दिस इज वेरी बैड स्ट्रेटेजी तो आपको जो भी आप पेड क्लासेस लेते हो आपको एक दिन में एक जैसे बी का बैच है उसमें एक दिन में आपको तीन घंटे की क्लासेस मिलती हैं फिर अगले तीन टीचर आते हैं इस तरीके से आपको सिलेबस uh, जो है इफेक्टिव वे से कंप्लीट किया जाता है विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान ओके सो यहां पर आप सबके आंसर्स आए हैं द राइट आंसर इज जाइगोटीन पेयरिंग कहाँ पर होती है जाइगोटीन में होती है वहीं पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जिसने भी ए आंसर किया था वो सही है ठीक है तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है इसके बाद मेरा एक और सेशन है जहाँ पर मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पेड क्लासेस में हमारा एक प्रॉपर स्टडी प्लान रहता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहती है जिससे बच्चा इफेक्टिव वे से पढ़ सके ठीक है अपनी रिवीजन भी करे अपने डाउट्स भी पूछे और उसकी सिलेक्शन जो है वो अच्छे वे से हो सके लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है कि जो हमने आपको पढ़ाया है आपने उसको कितना रिवाइज किया है ठीक है बहुत सारे पेट बैच के बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि भाई छः बजे क्लास होती है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्लीज उसको देखा करो वो फिर भी नहीं देखते हैं है ना अभी मैं बात करूं कि जैसे अब ये पॉलीपोलाइडी का क्वेश्चन है ये मैंने आज ही आपको पढ़ा दिया लेकिन पेड बैच में मैं कल उसको पढ़ाने वाली हूँ आज मैंने सेल डिवीजन शुरू किया है पॉलीपोलाइडी कल होने वाला है अब उसमें से 50 परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है है ना और भाई पॉलीपोलाइडी का उनको फिर ये क्वेश्चन आएगा नहीं अगर मैं क्लास में पूछूंगी ठीक है सो सिलेक्शन हमेशा जो है आपकी सेल्फ स्टडी और आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करती है राइट सो दैट्स इट अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है एट्टी परसेंट ऑफ चला हुआ है ठीक है आ, और आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है चाहे वो बिहार बी का है एस का है डीएचओ का है आपके लिए अवेलेबल है कैसे आप हमारे पेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिस जिसको चाहिए या कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो वो आपको बता देती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो और आपको एग्रीकल्चर के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ना है ठीक है आपको अपना बेसिक्स और फाउंडेशन क्लियर करने हैं विद थ्योरी पूरा तो आपके लिए

अब किसी भी बैच में आप कैसे पहुंच सकते हो वो भी देख लो आपको नॉर्मल गूगल पे जाना है गूगल पे लिखना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम जैसे ही अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम आप लिखेंगे ये वेबसाइट ओपन होगी ऑल कोर्सेस पे क्लिक करना है यहां पर दिखेगा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स इसके नीचे जो लाइन है वहां पर एग्रीकल्चर पे क्लिक करना है ठीक है अब ये सारे बैचेज हैं देखिए यहां पे ये है ए एफ ओ ठीक है ये यूपीपीएससी यानी एस टी ए डी ट्रिपल एस बी बिहार बी एच ओ एम एस सी एंट्रेंस एग्रीकल्चर की ई बुक एफ एस एस आई पंजाब एडियो ओपीएससी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स फाउंडेशन एग्जाम्स टी ए नबार्ड एफ सी आई आर आर बी ये जितने भी आपके और भी जितने भी आप बोलोगे और आगे आने वाले और पहले हो चुके सारे बैचेज आपको मिलने वाले हैं इस एग्रीकल्चर महापैक में ठीक है इस वक्त मैं बता रही हूं डबल वैलिडिटी पे है यानी दो साल के लिए आपको वैलिडिटी मिलेगी हर एक बैच में अगर आप इंडिविजुअल बैच लेते हैं तब आपको एक साल की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप एग्रीकल्चर महापैक लेते हो आपको सारे बैचेस मिलेंगे टू इयर्स की वैलिडिटी पे ठीक है इसका सबसे बेनिफिट जो रोल है वो ये है कि अगर कल को कोई नई वैकेंसी आती है एडीओ की एईओ की या कोई भी नई वैकेंसी आती है तो आपको ऑलरेडी उसका बैच मिल जाएगा आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना है तो एग्रीकल्चर महापैक पे क्लिक करो बाय नाउ करो कोड इस्तेमाल कर सकते हो वाई सेवन एट वन एन लिया भाई आपको जो है दो साल के लिए नहीं चाहिए अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो आपको एक साल के लिए ही चाहिए तब आपके लिए और भी फायदा है यहाँ पर आपको सिक्स प्लस सिक्स की जो है वैलिडिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है सिक्स प्लस सिक्स आपका यहाँ पे प्राइस भी हाफ हो जाएगा अगर आप कोड लगाओगे वाई सेवन एट वन ए यहाँ पर हाफ हो जाएगा आपका ठीक है और आपको एक साल के लिए मिल जाएगा बट सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप जो है वो डबल दो साल वाला लो ठीक है क्योंकि आगे आगे कुछ ना कुछ आपके लिए आता ही रहेगा आता ही रहेगा ओके सो हम्म <laughs> हाँ जब क्लासेस एक बार चल पड़ेंगी उसके बाद कोई गैप नहीं आएगा राधर की किसी भी टीचर की तबीयत ख़राब होती है है ना या कुछ और होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी शादी थी तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया था ठीक है बच्चों को मैंने बता दिया था मैं टेलीग्राम पे उनको बुक्स वगैरह दे दी थी टारगेट्स दे दिए थे ठीक है तो उनको क्लियर कर दिया था और वैसे भी उनका नेट का अभी आया भी नहीं है अभी तक डेट भी नहीं आई है ठीक है और मैं उनको बोल के गई थी कि मैं अपनी शादी के अगले दिन आ जाऊंगी अगर आपकी डेट या नोटिफिकेशन आ गई पर अभी तक नहीं आई है ठीक है तो वो तुम टेंशन मत लो क्योंकि हमारा अगर नाम है ना यहाँ पे तो वो इसी वजह से है क्योंकि हम आपका ख्याल रखते हैं हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे आपके पास पूरे राइट से यहाँ बोलने के ठीक है इसीलिए आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी ठीक है हम यहीं पर ही हैं डेली हैं थैंक यू सो मच लिली बाकी छः बजे डेली मंडे टू सैटरडे क्लास होती है अभी मैं ये सेशन ओवर कर रही हूँ एक और सेशन स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें भी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हम करेंगे जो पहले एग्जाम में आ भी चुके हैं वैसे वैसे टाइप्स के ठीक है तो उसको ज्वाइन करो अभी आने वाली हूँ लाइव और तब तक के लिए बाय बाय ओके